उस जमाने विच हुकूमत सुन बुरे लोगों को सजा देने वास्ते ही खास तरीका मुकर्र किया सी, जणी चोरां ते कातलां वास्ते। सिपाही ए जिहे बुरे लोगों को खड़के उन्हां दे हाथां को लकड़ी दी सलीबा उत्ते मेखां ला के ते कस देंदे आसे, ते उन्हां दे पैरां को भी उस सलीबा उत्ते खलते दे, ते बुरे लोग उन्हां को फांसी उत्ते चाड़ दे। जिस वेले ओ मर जुलदे तां उन्हां को छोड़ दे। जिस वेले लोग इस तरह सलीब उत्ते मरदे ते उन्हां वास्ते ए सख्ती तकलीफ दे गल हुंदी आ सी, कियां जे इस तरह ओ जल्दी ना मरदे आ सी। जिस वेले यसू दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हुई ते सिपाही उन्हां को दूर गवांडे दी हिकी पहाड़ी उत्ते किन गए, जिसको गलगाता आखदे आ सी, उत्थे उन्हां सुण यसू को सूली दित्ती एक लकड़ी दी सलीबा उत्ते। ए चशका दा वेला सा जिस वेले उन्हां सुणे काम कीता। फिर तकरीबन दोपहरी वेले खुदा सुन दी छुपा छुड़िया ते नेरा हो गया। यसू तकरीबन 3 बजे सूली उत्ते फोत हो गए। एक सिपाही सुन एक नेजा आण के यसू दी बखी विच मारिया। जदों यसू मर गया, खुदा सुन एक बड़ा जलजला भेजिया। खुदा सुन एक काम इस वास्ते कीते जे ये काम उसकी निशानी है, जे लोगों को पता लगे जे यसू खुदा दा पुत्र है। वो सिपाही जिन्हें यसू को कतल किया उन्हें सुन ये सब कुछ देखिया, तो उन्हें बिचों एक ही सुन आख्या जे ये आदमी जरूर खुदा दा पुत्र है। और माड़ा ख्याल यही है, यसू दे कोई संगियां सुन उसकी लाशा को एक ही गारा विच दब छुड़िया, ते बड़ी सारी एक पड़ी किनके गारा दे मुँह आगे रख के उस गारा को बंद कर छुड़िया। यसू दे दुश्मन सुन देख के दा जे लोगों सुन यसू की लाश गारा विच दब छुड़ी, ते वह आखना लगे जे उसका यह ख्याल है जे यसू दे संगी जरूर उसकी लाश छुपाने वास्ते आसन, ते फिर वो असा को तोहफा दे सुन जे यसू दोबारा फिर जी गया। बस इस ख्याल नाल उन्हें सुन यसू की कब्र की निगरानी करने वास्ते सिपाही मुकर्र कर छोड़े। वह सोचते आसे जे बस यसू हुण खत्म हो गया। मुझ पहले की गल है जे खुदा की किताबा सुन ये साफ साफ दसाल छुड़े आसा जे यसू सूली उत्ते मरसी। यसू सुन खुदा दे फरमाना को कबूल किया, ते उस खुदा की राह विच अपनी जान की कुरबानी दे के ते असां दे गुनाहां दा कफारा अदा किया। काफ़ी वक्त पहलियाँ खुदा सुना ख्या सा जे लोगों को मड़ी राह विच जरूर एक भेड़ कुर्बान करनी चाहिए। जदों मैं देख सा जे एक भेड़ मरती है तो उसका खून प्या बगदा है, तो उस वेले मैं उन्होंने लोगों के गुनाह बख्श छोड़ सा। यसू सुन खुदा दे सामने अपनी जान की कुरबानी दे छुड़ी, तो अपना खून का नजराना खून बगा के पेश कर छुड़े। उन्हें सुन ये इस वास्ते किया जे खुदा असां दे गुनाह माफ कर छोड़े। उन्हें सुन तो यसू को एक ही गारा विच दब छोड़िया, पर दोवें दिहाड़ियां दे वक्फे तो बाद त्रीए दिहाड़े यसू फिर जी गया। तो वह दिहाड़ा जिस दिहाड़े यसू जी उठा सा अतारा दास। फिर मुझ जल्दी अतारा की फजरी खुदा सुन एक बड़ा पखम किया, तो एक फरिश्ता यसू उन्हां दी कब्र को लाया, तो सुन इस बड़ी पड़ी को परा रोड़िया। जिस वेले पड़ी रुड़ी ते पहरा देने वाले सिपाही मुझ काबर के नस गए। थोड़ी देर गुजरी आसी जे कुछ कुड़ियां यसू की कब्र देखने वास्ते आईया, उन्हें जे देखा जे यसू की कब्र खुलती दी है, तो मुझ ही हैरान हो गई। उन्हें कब्र को 2 फरिश्ते देखे। एक ही फरिश्ते सुन कुड़ियों को आख्या जे तुसी यसू को देख दियो, ओ हुण ते इत्थे नहीं है, ओ कब्रां विचों उठ गया ते उड़दे परदे फिरदा है, तुसी आ के उसकी कब्र देख के नो। पहले लोगों सुन उसको इत्थे दबिया आसा, पर हुण ओ जी गया। वो कुड़ियां दौड़ के गई, तो उन्हें सुन यसू दे संगियां को यह सब कुछ दसाल छोड़िया। जदों संगियां ये गल सुनी तो कब्र को देखने वास्ते दौड़े, पर उन्हें भी देखा जे कब्र तो खाली है। तो फिर उन्हें को यसू दियां वह गल याद आईया जिड़ियां उन्हें सुन पहलियां दसालियां आसियां, जे मैं 3 दिहाड़ियां वास्ते मरसा तो फिर जी जुलसा। यसू कब्र विचों उठने को बाद 40 दिहाड़े जमीन ते फिरदा टुरदा रहा। मुझ सारिया लोगों सुन उसको देखा तो उस नाल गलां कीतियां। हुण यसू अपने प्यू कोल जनता विच जुलने वास्ते तैयार आ सा। जिहड़ा काम करने वास्ते वो आया सा उसको मुकम्मल करके दास। वो सूली ते असां दे गुनाह धोने वास्ते चढ़ के मोया। यसू सुन अपने संगियों को आख्या जे मड़े प्यू की जई विच मुझ कोठे, तो मैं उत्थे तुसां वास्ते एक जा तैयार करने को जुलदा,
ते मैं फिर मुड़ के आसा ते तुसा को भी अपने नाल रखने वास्ते कहन जुलसा। ए चंगी जा हर उस वास्ते जिहड़ा यसू की पैरवी करदा। यसू सुन अपने संगियां कोई भी आख्या जिवें तुसा को तुसा दे आपे उत्ते ही न सट छोड़ सा, मैं तुसा दी तरफ खुदा दा रूप भेज सा ते ओ हमेशा वास्ते तुसा दे दिलां विच रहसी। ओ तुसा को खुदा दे कलामां दे मुतालक सब कुछ दसाल छोड़ सी। ओ तुसा को शैतान उत्ते मुझ मजबूत बना छोड़ सी ते तुसी उसको हरा छोड़ सो। यसू ते उसके सारे संगी पहाड़ दी हिकी चोटी उत्ते चढ़ गए ते यसू सुन उन्हां को यह आखिरी नसीहत की थी, जिस विच उन्हां को आख्या जे तुसी मेरी ये चंगी नसीहत हर जाई पहुँचाओ ते सारे लोगों को दसो ते मैं हमेशा तुसा नाल रह सां। जिस वेले यसू सुन गलां करनियां खत्म कीतियां ते जमीना तो आसमाना विच जुलदा रहा, अचानक ही दो फरिश्ते उत्थे आ खलते ते यसू दे पैरोकारां को आखने लगे जे तुसा सुन यसू को आसमाना उत्ते जुलदों देखिया ते बाद विच ओ दोबारा मुड़ भी आ सी, उस वेले तुसा दा की रंग सी? क्यों तुसी खुश हो सो जदों मसीह फिर वापस आ सी? क्यों तुसी खुदा दा कुंबा है हो कि ना? कुछ लोग इस तरह सोच सन जे मैं मिशन नाल ताल्लक रखता, मैं गिरजियां जुलदा ते इबादत करदा, मैं बपतिस्मा कीते दा ते नमाज भी पढ़दा, मैं चंगा आदमी हाँ, इस वास्ते मेरा ताल्लक खुदा दे कुंबे नाल है। पर ए जियां सोचां चंगियां नहीं होंदियां, उन्हां विचों इक शै भी तुसां को खुदा दे कुंबे दा फर्द नहीं बना सकती। याद रखो तुसी अपनियां बुरियां चालां सारियां छोड़ दियो ते यसू को आहो जे ओ तुसां दे सारे गुनाह मुका छोड़े। तुसां को जरूर यसू दा मशकूर होना चाहिए है, उस तुसां दे गुनाहां दे कफारे वास्ते सूली दी मौत के दिए। तुसी यसू को अपने दिलां विच बसाओ, रोज़ाना तुसी खुदा दियां गलां उत्ते टुरो। बस जे कदे इस तरह करसो ते तुसी खुदा दे कुंबे दे फर्द बन जुलसो। खुदा तुसा को नवी जिंदगी देसी जिड़ी तुसा वास्ते चंगी ते हमेशा तनू रहने वाली हो सी। ए सोनी गल खुदा दी तरफो असा सारे वास्ते।